सभी साथियों से अपील है सारे बोलो जय भीम जय भीम जय भीम उसकी शुरुआत सभी साथियों से अपील है जय भीम सारे बोलो जय भीम जय भीम जय भीम उसकी शुरुआत सभी साथियों से अपील है की शारदा गोदनाला से बिलोंग करती हूँ। सबके प्यारे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, लोगों में सबसे दुलारे बाबा साहेब अम्बेडकर, 14 अप्रैल को आता उनका जन्म दिवस, लोगों के लिए कार्य किए उन्होंने बरस। बाबा साहेब का संविधान कहता है मनुष्य बनो, अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। रुतबा मेरे सर को तेरे विधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। तो नहीं मजबूत बनना है, गोली का जवाब गोली से देना है। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, करके सबके भले का ऐसा काम, बना के हमारे देश का संविधान। नजारे देखे कि हमने कितने हजारों, देखा ना कभी ऐसा नजारा, आसमान में देखे सितारे बहुत, पर भी जैसा सितारा ना देखा। जहाँ एकत्रित हुए उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था, और 14 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के शिक्षा के लिए किए गए संघर्ष पर रोशनी डालना चाहती हूँ। भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म महाऊ
के ब्रिटिश स्थापित शहर में हुआ था, जो इंदौर मध्य प्रदेश के पास एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र है। सन 1894 बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दोपाली में एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल था और अंबेडकर के पिताजी ने जोर देकर कहा कि उनके लड़कों को इस स्कूल में दाखिला देना चाहिए, क्योंकि वह एक सेना अधिकारी स्कूल था। अंत में ये व्यवस्था की गई कि वह और चार अन्य अछूत सहपाठी इस शर्त पर स्कूल जा सकते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब। उनकी बात है कि हमारे ऐसे बच्चों ने इतनी मेहनत से जगाया हमको, आंसू आपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहेब अंबेडकर जी को। माननीय मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, आए हुए सभी मेहमान, मेरे बहन भाई और प्यारे बच्चों, आप सभी को बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे जहां आकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, ये देखकर कि जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है, मैंने देखा कि बच्चियों ने किस तरह से अपनी कविताओं के माध्यम से बाबा साहेब के जीवन पे प्रकाश डाला, उनके संघर्ष का जो है वो बखान किया। मैं चाहती हूँ कि जो लड़के हैं, लड़कियाँ इतनी सारी पार्टिसिपेंट यहाँ पे थी, तो जो बच्चे हैं लड़के, जो लड़के हैं इनको भी जो है वो आगे आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने समाज में आगे होकर जो वो कार्य करना है। आज करने वाले और भी साथी जो और भी एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आई हुई संगत का, आए हुए मेहमानों का, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कोई बात बाकी नहीं रही है जो इन बेटियों ने बताई नहीं है। सिर्फ उन्होंने क्लोज करके बताई है, उसका खुलासा हमने घर में जाकर करना है। जो चीज गीत के माध्यम से बताई है कंप्लीट बता दी है, जो अपनी स्पीच में बताई है बाबा साहब की आज के दिन की कंप्लीट उन्होंने बता दी है, लेकिन थोड़ा उसको हर पॉइंट को फैक्टराइज करना, उसके ऊपर जाना, उसको खोल के देखना कि लफ्ज क्या था, कहाँ होते आज के दिन हम अगर बाबा साहब अपने आंसू नहीं रुलाते। लेकिन मैं शॉर्ट में ही बोलूंगा कि एक बाबा साहब अगर पूरे वर्ल्ड में सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने लाया, सोशल एक्टिविटी को पूरे वर्ल्ड में चेंज करके रख दिया, तो उन्हीं के दिए हुए सिद्धांत आज हमने आगे चलाने हैं, हमारे लिए बहुत सौखा काम है। संगत आज मिल बैठी है, सबको मेरी तरफ से जय भीम जय भारत। अपने विचार इस मंच पे आकर के साझा किए हैं और सच मानो तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि इस बार जितने भी बच्चे यहाँ आकर के बोले हैं सबने बड़ा अच्छा क्वालिटी का तैयार किया हुआ। सबसे पहले तो इन सब बच्चों को बधाई, इनके लिए एक बार ताली। आपका मुलाजम हूँ, मेरे बच्चे को तो पढ़ने का हक होना चाहिए। मैं ये बात यहाँ सिद्ध कर देना, मतलब पहले ही कह देना चाहता हूँ कि उस समय हमारे किसी बच्चे को किसी तरह के स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था। उन्होंने संघर्ष करके ब्रिटिश आर्मी के अफसर होने के नाते अपने बेटे को एक स्कूल में एडमिशन दिलाने में वो सफल हुए, और ना सिर्फ फिर वो अकेले नहीं गए, चार बच्चे, चार शूद्र बच्चे, चार इस समाज के बच्चे उनके साथ और थे। तो जैसा कि बच्ची ने बताया कि समझौता ये हुआ कि इन बच्चों को अलग बैठाया जाएगा, और बच्ची ये बात बता रही थी, मेरे आंसू निकल रहे थे उस समय ये बात सुन के, वो चार बच्चे जो अलग बैठे होते थे उनमें से बाबा साहब एक ऐसे बच्चे थे जो दरवाजे के पास आके कान लगा करके सुना करते थे कि दूसरे कमरे में टीचर क्या पढ़ा रहा। तो ये लगन, ये चीजें हैं जहां से हमने प्रेरणा लेनी है, ये चीजें हैं जहां से हमारे बच्चों ने जो है प्रेरणा लेनी है कि अगर दूसरे कमरे में बैठ के कान लगा करके पढ़ के कोई
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जा सकता है और वो भी 1912-13-15 के आसपास। तो आज तो हमारे सामने जो है बहुत सारे मौके खुले हुए हैं, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आज के दिन का मनाना तभी सफल है अगर हमारे बच्चे यहाँ से ये प्रण लेके जाएं, हमारे बच्चों के पेरेंट्स ये प्रण लेके जाएं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई कसर बाकी उठा के नहीं रखेंगे। अब उनके साथियों ने एक स्कीम बनाई कि भाई आप ऐसा करो, आप अपना नाम बदलो। माता बहने और भाई छोटे प्यारे बच्चे, आज हम लोग भारत रत्न बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी का जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं और मेरी तरफ से सभी बैठे हुए लीना जी और पंडाल में बैठे हुए सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी आपने देखा होगा कि मैंने संबोधित करते हुए बाबा साहेब को विश्व गुरु की उपाधि दी है। क्यों? क्योंकि आज हम लिखी दी है, पूरी चित्रित की दी है। बाबा साहब की मौका मिला संविधान लिखने का, मैं सीधी गल्ला पर आया हूँ, उन्हें सारे इंसानों की बराबर कर दिया, कोई पिछे नहीं है, कुसै की देरियां नहीं है। जियां 100 मीटर की या 1000 मीटर की रेस है, तो बाबा साहब ने पोलिटिकली और लीगली सारे भी एक प्लेटफॉर्म पर दौड़े। अनुभव और भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। मुझे सिर्फ 2 मिनट दिए गए हैं तो शायद ये 2 मिनट हो गए होंगे तो मुश्किल हो जाएगा बात करना। मैं लेट जानबूझ के नहीं हुई हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि आज एक इंटरनेशनल प्रोग्राम था, जूम मीटिंग, और आपको सुन के खुशी होगी कि जम्मू कश्मीर से क्या इंडिया से 3 लोगों ने बोला, उसमें मेरा नाम भी था। तो मैं वो प्रोग्राम अटेंड करके आ रही हूँ क्योंकि एक प्रेजेंटेशन थी इंडिया की तरफ से, तो एक जम्मू कश्मीर से आपकी बहन छोटी जा बड़ी उसको बात करने का मौका मिला, तो इसलिए मैं लेट हो गई। मैं अपनी बहनों से माफ़ी चाहूँगी, भाइयों से माफ़ी चाहूँगी कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है। जैसे हम घर में अपने बच्चों के जन्मदिन पर मोमबत्ती या दिए जलाकर जो भी फॉर्मेलिटी करते हैं, तो वैसे ही हम ठीक 8 बजे अपने अपने कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है। जैसे हम घर में अपने बच्चों के जन्मदिन पर मोमबत्ती या दिए जलाकर जो भी फॉर्मेलिटी करते हैं, तो वैसे ही हम ठीक 8 बजे अपने अपने तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है जो पीछे, तो लास्ट में मैं इस सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं